हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल क्लास में। बिहार में एक और नई भर्ती आ चुकी है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि कार्यपालक सहायक को लेकर, और ये जो है ऑनलाइन अप्लाई आज से शुरू हो चुका है और लिंक जो है एक्टिवेट भी हो चुका है और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2019 तक। तो वो किस डिस्ट्रिक्ट का आया है मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए क्योंकि ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा जॉब है। और जो है अभी जो है बिहार में जो है सभी को लगभग सैलरी बढ़ाकर 16,000 से ज़्यादा कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक कि किस डिस्ट्रिक्ट में आई है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का भर्ती और ऑनलाइन शुरू कैसे हो चुका है और इसका जो लिंक आपको कहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स झारखंड में जो है रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है जिसमें कि लगभग 3,000 से जो है अधिक पदों पर नियुक्ति होगी, वो है 20 अगस्त को हो रहा है। तो ये कहाँ हो रहा है तो जाके वीडियो को जरूर देखिए, इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स बिहार में जो है एक नई भर्ती का आ चुका है और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत सहायक नगर निवेशक पद का नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जाके आप देख लीजिए, मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको। और LRC में जो भर्ती चल रही है और उसका काउंसलिंग भी हो चुका है, सिर्फ जो है रिजल्ट आना बाकी है। तो उसको लेकर के यहाँ पर एक आया है नया अपडेट कि 1 महीना और समय लग सकता है। ठीक है, जो कि विभाग ने फैसला लिया है हंगामे के बाद। तो ये वीडियो आप जाके जरूर देखिए। और समाज कल्याण एवं विभाग के अंतर्गत बिहार में एक और नई भर्ती का आ चुका है अपडेट कि बुनियाद केंद्रों में जो है अस्थायी कर्मचारी की होगी नियुक्ति, जिसमें कि लेखापाल, जिला प्रबंधक, कैशियर और बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि सभी अनुमंडलों में जिलों में होगी नियुक्ति। तो जाके ये वीडियो जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है जितने भी संविदा कर्मी हैं बिहार में उसके लिए बड़ी खुशखबरी है कि उच्च स्तरीय समिति जो गठित की गई है उसमें रिपोर्ट तैयार हो चुका है और आप लोग को जो है क्या क्या लाभ मिलने वाला है, किस किस पोस्ट को लाभ मिलने वाला है, सब मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये वीडियो जाकर आप जरूर देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो नया आया है भर्ती एक और जिला में, जो लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 22 जुलाई का अपडेट में कि उसमें जो है लिंक एक्टिवेट था, कुछ कुछ ने आवेदन भी किया था लेकिन फिर जो है लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया गया और नया जो है जारी किया गया एक नोटिस और उसमें बताया कि अब जो है 1 अगस्त से शुरू होगा। और मैंने उसमें आपको वादा किया था कि जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं वीडियो बना के जोर लाऊंगा। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, थोड़ा नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्विक लिंक दिखा रहा है आपको, या देखिए एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नोटिस आएगा और उसको कर देंगे हम ओके। तो उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन का लिंक है वो ओपन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग का ओपन हो जाएगा और आप लोग को करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक मिलेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जिला है गोपालगंज, उसके बाद आपको डालना है अपना आईडी और पासवर्ड और डालना है कैप्चा कोड और करना है लॉगिन और आपको अपना सब कुछ डाल के कर देना है सबमिट। ठीक है, अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा और वहाँ पर आपको भरना है सब कुछ, उसके बाद आपको लॉगिन और आईडी मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये, तो फ्रेंड्स इस तरह जो है पेज आपका ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर आपको करना है पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद अप्लाई डिस्ट्रिक्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए, नेम इन इंग्लिश, नेम इन हिंदी, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपको डालना है अपना यहाँ पर जेंडर, कैटेगरी, ईमेल डालना है, फ़ोन डालना है और आपको क्रिएट करना है पासवर्ड, फिर डालना है कन्फर्म पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, वही आपको आईडी पासवर्ड यहाँ डालना है और लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड्स आप लोग अप्लाई फटाफट कीजिए। ठीक है, और डेट भी बहुत लंबा टाइम है लेकिन आप लोग जो है लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, आप लोग अप्लाई कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।